नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और आज रोज शाम 4:30 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर और बढ़ता लाइव खबरों की एक सबसे बड़ी खबर से शुरुआत। दिल्ली से एक बड़ी खबर ये कि पीएम मोदी पर पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने विवादित बयान दिया, विवादित टिप्पणी की है। सुबोध कांत सहाय ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की है, पीएम मोदी हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ये कहा है सुबोध कांत सहाय ने। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, सुबोध कांत सहाय का ये विवादित बयान आया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये टिप्पणी की है। हिटलर ने भी ऐसी संस्था बनाई थी जिसका नाम था खाकी। सुबोध कांत सहाय का ये बयान पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की है और एक बार फिर से बदजुबानी की शिकार, बदजुबानी करते चंगुल में फंसे सुबोध कांत सहाय। मोदी की तुलना हिटलर से की है, कहा कि हिटलर जैसा करेगा वैसे ही मरेगा। हिटलर ने भी ऐसी संस्था बनाई थी जिसका नाम खाकी था। तो सुबोध कांत सहाय ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बयान दे दिया और उसके बाद से विवादित बयान के बाद से अब राजनीति भी तेज हो गई है। इस मामले को लेकर तीखी टिप्पणियां, तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक टिप्पणी की है, विवादित बोल बोला है सुबोध कांत सहाय ने और हिटलर से तुलना की है पीएम मोदी की। और साथ ही उस दौरान यह भी कहा कि पीएम मोदी हिटलर के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अगर वो ऐसे चलते रहे तो जैसे हिटलर चला था वैसे हिटलर की मौत, पीएम मरेंगे। सुबोध कांत सहाय का यह बयान आया है और बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हमारे साथ इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ ऑन भारत पर। धन्यवाद धन्यवाद जी। सुबोध कांत सहाय का देखिए जब बोल आएगा, विवादित बोल है, टिप्पणी चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए माननीय सुबोध कांत सहाय जी एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता, जिस तरह उन्होंने बयान दिया अमर्यादित असंसदीय, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं ही नहीं बल्कि झारखंड की 3.25 करोड़ जनता इस बयान की निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी इटली कांग्रेस पार्टी बन गई है और इटली कांग्रेस परिवार के सिर्फ सुबोध कांत सहाय जी नहीं है जी, अभी हाल में एक महाराष्ट्र के नेता ने भी इस तरह का विवादित बयान दिया था। और आपको मैं बताऊं, इनकी जो कार्यकारी अध्यक्ष है श्रीमती सोनिया गांधी, इन्होंने भी जब गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गोधरा के घटना के बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने भी मोदी जी के बारे में मौत का सौदागर शब्द कहा जी। परिणाम स्वरूप गुजरात की जनता ने भारी बहुमत से मोदी जी और बीजेपी की सरकार बनाने का काम किया। आज जब ये सोनिया कांग्रेस के परिवारवाद और भ्रष्ट परिवार जो जेल से बेल पे है, जब आज ईडी इन पर कार्रवाई कर रही है तो ये बौखला उठे है। और बौखलाहट में ही जो कांग्रेस सभी लोग जानते हैं 1970 में किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी ने, रघुदास जी अभी अभी सफाई दी है, सुबोध कांत सहाय ने कहा कि इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा निजी बयान था, निजी टिप्पणी थी, एक उदाहरण मैंने दिया था। कांग्रेस के जितने भी नेता इस तरह के विवादित बयान देकर देश की जनता का आंखों में धूल झोंकना चाहता, तो अगर उनका ये बयान कांग्रेस पार्टी से नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को इस तरह के विवादित बयान पर, क्योंकि देश की 135 करोड़ जनता ने ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का जनता ने प्रधानमंत्री बनाया और प्रधानमंत्री शब्द पर इस तरह का अपशब्द बोलना, कांग्रेस पार्टी अविलंब ऐसे नेताओं पर, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड के नेताओं हो, उस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए, तभी बात समझ में आएगी कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। तो देखिए हमारे साथ थे रघुवर दास जी, पूर्व
मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ऐसा होता है कि बयान दिए जाने के बाद से कांग्रेस खुद को पाक साफ रखने के लिए अपने नेताओं से यह कहलवा देती कि उनका निजी बयान था। एक उदाहरण उन्होंने दिया था, सुबोध कांसा ने भी कुछ इस तरीके से बयान दिया और उसके बाद से उन्होंने सफाई दी, कहा कि कांग्रेस इसे जोड़कर ना देखा जाए, ये मेरी अपनी टिप्पणी, मेरी निजी टिप्पणी, मेरी निजी राय है और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा जंपशन है, ये मैं मुझे लगता है कि पीएम मोदी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं और इसलिए मैंने ये बात कही थी, ये कांग्रेस से इसका लेना देना नहीं है, ये पूरी तरीके से ये मेरी टिप्पणी है और इसको कांग्रेस से ना जोड़ा जाए, मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी ऐसा करते हैं और इसलिए मैंने ये बात रखी है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे कि अब जो खबर ये आ रही है कि सुबोध कांत सहाय ने इस टिप्पणी पर अपनी सफाई दी और कहा है कि सफाई भी दे दी है टिप्पणी पर। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का ये बयान आया और उसके बाद से झारखंड की राजनीति कहे कि क्या देश की राजनीति में एक भूचाल आ गया और लगातार कांग्रेस निशाने पर रही, तमाम राजनीतिक दलों के साथ बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का सगल रहा है, कांग्रेस के ओर से लगातार ऐसे बयान दिए जाते रहे, जब से पीएम मोदी सत्ता में आए, जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली तब से ही शायद ये बात कांग्रेस को हजम नहीं होती कि कैसे गुजरात से आया एक शख्स एक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है, न सिर्फ एक बार बल्कि दो दो बार जनता का भरोसा पाने में कामयाब हो जाता है और इसलिए शायद कांग्रेस की ओर से ऐसे बयान दिया जाते हैं, बीजेपी की ओर से लगातार यही बात कही जा रही है। हालांकि इस बीच आपको हम जानकारी दे दें कि सुबोध कांत सहाय ने स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि ये जो बयान था, ये जो टिप्पणी थी, उन्होंने अपने लिए दिया था, उनको ऐसा लग रहा था, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इनकी पूरी तरीके से निजी टिप्पणी थी। उन्होंने कई एक मौके पर ऐसा पाया पीएम मोदी को कि पीएम मोदी बस एक किसी तरीके से बस एक बयान दे देते हैं और उन्हें लगता है कि यह चीज हो जाना चाहिए और जब वो चीज नहीं होती है तो फिर पीएम मोदी फिर उसको लेकर अपनी नाराजगी भी जताते हैं, आपत्ति भी दिखाते हैं, मन की बात में भी कई बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने तो कहा था ऐसा लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, उन्हें बहुत ही तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है और इसलिए उन्हें लगता है कि पीएम मोदी हिटलर के जैसे हैं और हिटलर के जैसा व्यवहार वो करते हैं, बस आते हैं टीवी पर आते हैं और इस तरह के बयान दे जाते हैं कि साथियों अब देश में ऐसा होगा, साथियों देश में वैसा होगा, इसलिए उन्होंने ये टिप्पणी की थी और कांग्रेस से उनकी टिप्पणी का कोई कनेक्शन नहीं है। इस दौरान देखिए बात यह भी आ रही है कि सुबोध कांत सहाय ने कहा कि यह एक नारा है, यह एक नारा है, छात्र जीवन में भी इस तरह के नारे हम गढ़ते रहे, बनाते रहे हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक प्रकाश जी, एक बयान सुबोध कांत सहाय का लेकिन बाद में सफाई भी पीएम मोदी की तुलना हिटलर से, बड़ा दुर्भाग्य है। कांग्रेस मृत प्राय है और मरे हुए पार्टी के नेता को भगवान सद्बुद्धि दे, कांग्रेस ही को सद्बुद्धि दे, जितना वो लगातार 20 वर्षों से मोदी जी को दुनिया के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को अपशब्दों का बौछार करते हैं उतना ही मोदी जी का कद बढ़ता है। इसलिए भगवान से मेरी प्रार्थना है कांग्रेस और कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। कांग्रेस तो मरी हुई है और कांग्रेस के लेकिन लेकिन उन्होंने सफाई भी दी है कि ये मेरी अपनी टिप्पणी, एक नारे के तर्ज पर मैंने इस बयान को कहा है और मुझे ऐसा लगा था इसलिए मैंने ये बयान कहा, कांग्रेस से लेना देना नहीं। बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस अब पूरी दुनिया भारत से सफाचट हो गई है, पूरे सफाचट हो गई और इनके नेताओं का भी अभिमान खत्म नहीं हुआ है, इससे बड़ा और क्या बुरी चीज हो सकती है। चलिए शुक्रिया, आपने प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए दीपक प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस में ऐसा होता है, कांग्रेस में ऐसा होता है, ये है कि कई बार कांग्रेस के नेता ऐसे विवादित बयान देते हैं, जब उसका विरोध शुरू हो जाता है तो फिर वो खुद को कांग्रेस अलग कर लेते हैं, शायद कांग्रेस आला कमान से या कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से ऐसा कहा जाता है कि आप अपने इस बयान को निजी बता दीजिए ताकि कांग्रेस से के साथ उसका कनेक्शन साबित ना हो पाए, कांग्रेस से वो कनेक्ट ना हो पाए। और इसलिए एक बार देखिए फिर से सुबोध कांत सहाय की ओर से ये इस पर सफाई दी गई, इस बयान के बाद से जैसी इस पूरे मामले को लेकर हर जगह चर्चा होने लगी, इस पर तंज कसा जाने लगा, इस पर पलटवार शुरू हुआ, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया, तो सुबोध कांत सहाय ने एक बार फिर से इस पर सफाई दे दी मीडिया के सामने और कहा कि मुझे ऐसा लगा था कि पीएम मोदी इस तरह के व्यक्ति है
जैसे हिटलर था, यानी कि अपनी बात रखनी है, वो बात पूरी हो जानी चाहिए, पूरी नहीं होगी तो वो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, नाराजगी जाहिर कर देते हैं कई मौकों पर, और इसलिए उन्होंने एक नारे की शक्ल में इस बयान को रखा था कि जो हिटलर के जैसा करेगा वो हिटलर की मौत ही मरेगा। ये एक नारा है जो मैंने पीएम मोदी के लिए दिया, लेकिन वो मेरी निजी राय, मेरी टिप्पणी जो है वो निजी है, कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, ये बवाल जो होना था वो हो गया, अब इसे टंग ऑफ स्लिप कहें या ये बयान का स्रोत कौन सा है कि सोची समझी, या फिर किसी कार्यक्रम में इस तरह के बयान देने के बाद तालियां बटोरने, सुर्खियां बटोरने की भी कोशिश हो सकती है। कई बार ऐसे नेता करते हैं, पब्लिसिटी स्टंट होता है, आपको ऐसे बयान दे देते हैं, आप पर तालियां बज जाती है, आपको लगता है कि आप मास लीडर हो गए, ऐसा होता है। लेकिन बीजेपी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दीपक प्रकाश और अकबर दास ने कहा कि ये कांग्रेस की मानसिकता ऐसी है, कांग्रेस ऐसा करती है, पहले बयान दिया जाता है और फिर उस पर सफाई दे दी जाती है, उसे निजी बता दिया जाता है। और देखिए कितना अजीब इत्तेफाक ये है कि हमने बीते दिनों न्यूजीलैंड भारत ने एक राजनीतिक सुचिता के तौर पर ये कोशिश की थी कि सियासतदान जो है जहरीले बोलना बोले, लेकिन देखिए फिर से उसी तरह के बोल सामने आ जाते हैं। तो सियासतदान जहरीले बोलना बोले, इस पर हमने डिस्कशन बाकायदा किया, लेकिन बावजूद फिर से वैसे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।